हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डू गुड। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैलाश सिविल इंजीनियर चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जब हम किसी भी बॉल या सरफेस पर प्लास्टर करने जाते हैं तो फ्रेंड्स, प्लास्टर करने से पहले एंड फ्रेंड्स, प्लास्टर करते टाइम या फिर प्लास्टर करने के बाद हमें किस किस बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैलाश सिविल इंजीनियर चैनल में। फ्रेंड्स, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ, जब हम जिस भी सरफेस पर या बॉल पर हम प्लास्टर करने जा रहे हैं उस बॉल पर हम ये चेक करते हैं कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क, कंड्यूटिंग वर्क, प्लम्बिंग कंड्यूटिंग वर्क, चीजलिंग वर्क, जो भी होना है वो फ्रेंड्स हो चुका है या नहीं। फ्रेंड्स, नहीं होता तो जब हम प्लास्टर करने के बाद ये वर्क करते हैं तो फ्रेंड्स हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग के टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी मेरा प्लास्टर होता है इनसाइड या आउटसाइड, फ्रेंड्स हैमरिंग से वो प्लास्टर क्या हो जाता है, जब मेरी वाइब्रेशंस होती हैं तो प्लास्टर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि फ्रेंड्स वो कभी भी झड़ने का और टूटने का उसका डर रहता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम कंप्लीट करने के बाद, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, हम जो भी मेरी वॉल्स होती है उस वॉल पर चिपिंग वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, चिपिंग वर्क क्या होता है, जो भी मेरे फ्रेंड्स वॉल्स बॉल में जो मेरे रोबे वगैरह टूटे हुए होते हैं उन रोबों को भरना, या फिर फ्रेंड्स जो उसके जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स को साफ़ करना, ये मेरे चिपिंग वर्क होते हैं, जिन्हें करने के बाद मैं फिर फ्रेंड्स उस सरफेस की या फिर बॉल की प्लास्टर मार्किंग करने जाता हूँ। फ्रेंड्स, प्लास्टर मार्किंग करते टाइम आपको एक बात का ध्यान देना होता है, जब हम प्लास्टर मार्किंग करते हैं तो फ्रेंड्स वो हम राइट एंगल में करते हैं, जैसे हम बोलते हैं गुनिया में। फ्रेंड्स, गुनिया में क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम फ्रेंड्स प्लास्टर के बाद फ्लोरिंग करने जाते हैं तो फ्रेंड्स फ्लोरिंग में जब वो भी हम टाइल या स्टोन लगाते हैं तो उसमें रेंच दिखती है। फ्रेंड्स, अगर यदि हम प्लास्टर को राइट एंगल में करेंगे तो वो रेंच हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगी और हम फ्लोरिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम प्लास्टर मार्किंग करते हैं तो या तो फ्रेंड्स जो मेरी वॉल्स होती हैं उन वॉल्स पर मैं जो सीमेंट मोर्टार होता है उसके छोटे छोटे एक एक मीटर या दो दो मीटर की डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली टिप पे लगाता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स आप फोटो में देख रहे होंगे वो मेरे राइट एंगल में होते हैं, या फिर फ्रेंड्स मैं जो मेरी दीवार होती है उसकी थ्रू आउट हाइट में मैं स्क्रीड बना देता हूँ, 15 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी फ्रेंड्स क्या बना देता हूँ मैं, पट्टी बना देता हूँ, उसके रेफरेंस में मैं क्या करता हूँ प्लास्टर अपना करता हूँ। फ्रेंड्स, वो उसकी जो गैपिंग होती है वो उतनी होती है जो मेरी फंटी होती है उन दोनों पे आराम से टिक जाए, जिसके बीच में मैं आराम से उसके रेफरेंस में मैं अच्छे से प्लास्टर। एंड फ्रेंड्स, प्लास्टर मार्किंग होने के बाद फ्रेंड्स जो भी मेरे जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मेरा ब्रेक वर्क और कंक्रीट वर्क के जॉइंट्स, या फिर मेरे जो मेरी कंड्यूटिंग वर्क होती है उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जो मेरा ज़्यादा मोटा मसाला आता है तो फ्रेंड्स प्लास्टर में क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी होती हैं, तो फ्रेंड्स उसको नेगलेक्ट करने के लिए हम चिकन मैस लगाते हैं। फ्रेंड्स, चिकन मैस जैसे कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, ये मेरी चिकन मैस होती है, इसको हम फ्रेंड्स जैसे कि आप पिक में देख रहे होंगे इस तरह हम दोनों जॉइंट्स पर लगाते हैं, उसके बाद हम इसे कच्चा करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं प्लास्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है हमारी जो सरफेस होती है प्लास्टरिंग सरफेस उस पर क्रैक्स कभी नहीं आते, इसलिए फ्रेंड्स हम चिकन मैस यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स, अब हमें प्लास्टर करना होता है तो प्लास्टर करने से एक दिन पहले इवनिंग में मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, उस बॉल की क्यूरिंग करता हूँ अच्छे से, जिससे कि जो मेरी बॉल है अपनी पूरी थिकनेस में अच्छे से बैटेड हो जाए दोनों साइड से। एंड फ्रेंड्स, जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता हूँ तो उस दिन भी मॉर्निंग में आके फ्रेंड्स मैं बॉल की दोबारा से क्यूरिंग करता हूँ, जिससे कि जो मेरी वॉल है ना वो अच्छे से फ्रेंड्स पूरी थिकनेस में क्या हो जाए, वो तर रहे, गीली रहे। फ्रेंड्स, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेरा प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस कम होती है, 12 से 15 mm फ्रेंड्स थिकनेस में मैं प्लास्टर करता हूँ, तो फ्रेंड्स वो प्लास्टर ज़्यादा पतला होता है। अगर यदि फ्रेंड्स मेरी थोड़ी भी बॉल ड्राई होगी तो वो क्या करेगी, जो मेरा सीमेंट मोर्टर में जो मेरी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो उसको क्या कर लेगी, उससे एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि फ्रेंड्स जो मेरा सीमेंट मोर्टर होगा वो अपनी स्ट्रेंथ लेने से पहले ही सूख जाएगा, हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगी और वो फ्रेंड्स अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा और वो फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही झड़ने लगेगा और टूट जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हमें जो मेरी प्लास्टरिंग सरफेस होती है प्लास्टर करने से पहले अच्छे से उसे बैट करना होता है, तर करना होता है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सीमेंट और पानी का एक घोल बनाता हूँ। फ्रेंड्स, घोल मैं इस तरह बनाता हूँ वो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो फ्रेंड्स, घोल बनाने के बाद में उस घोल को फ्रेंड्स प्लास्टरिंग सरफेस पर क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं ब्रश या फिर झाड़ू की हेल्प से
फ्रेंड्स मैं कोट मारता हूँ फ्रेंड्स जी, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मेरी वॉल होती है और मेरा जो सीमेंट मोर्टार होता है उसमें उसकी अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए, वो मेरा प्लास्टर अच्छे से वॉल से बॉन्ड करके चिपक जाए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना प्लास्टर स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लास्टर जो करते हैं हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं फ्रेंड्स, टॉप से बॉटम की तरफ हम प्लास्टर करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर से नीचे प्लास्टर करेंगे तो इसलिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम पैड बांधते हैं। तो फ्रेंड्स पैड प्लास्टर करते टाइम इस तरह बांधते हैं कि हमें अपनी जो दीवार है या फिर बॉल है उसमें फ्रेंड्स रोवा ना तोड़ना पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम रोवा तोड़ देते हैं तो फिर दोबारा से टचिंग वर्क करना पड़ता है जिससे कि हमारी प्लास्टर की फिनिशिंग बिगड़ जाती है। तो फ्रेंड्स प्लास्टर करते टाइम भी आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जो भी बंदा प्लास्टर कर रहा है वो फ्रेंड्स प्लास्टर को गुनिया में करे। मार्किंग के बाद भी फ्रेंड्स गड़बड़ कर देते हैं, तो फ्रेंड्स गुनिया में होना चाहिए, सावल में होना चाहिए एंड फ्रेंड्स फंटी में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसे चेक करने के लिए आपके पास एक फिजिकल गुनिया होती है, वो आपको जो भी मेरे कॉर्नर्स होते हैं प्लास्टर होने के बाद सभी कॉर्नर में तुरंत लगा के देखनी होती है कि वो खुल तो नहीं, किसी भी साइड से खुल तो नहीं रही और जो मेरा कॉर्नर है उसमें ठीक से बैठ रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये फोटो में देख पा रहे होंगे इस तरह आपको फिजिकल गुनिया लगा के अच्छे से चेक करना है। एंड फ्रेंड्स बीच बीच में आपको फंटी भी लगानी है। फ्रेंड्स फंटी से क्या पता लगता है कि फ्रेंड्स जो मेरा बीच में जो प्लास्टर हो रहा है वो दब तो नहीं रहा है कहीं या फिर उठ तो नहीं रहा। फ्रेंड्स फंटी और फिजिकल गुनिया से आपको ये अच्छे से चेक करना है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको साहुल भी आप किसी भी हाइट में आपको लग रहा है कि या हाइट में मुझे लग रहा है कि वो आपको हो सकता है ऊंचा नीचा प्लास्टर हो रहा है, तो आप साहुल डाल के भी प्लास्टर को प्रॉपर जगह जगह चेक करते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको प्लास्टर से पहले जो काम करने हैं एंड फ्रेंड्स प्लास्टर करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड्स प्लास्टर का जो मेरा सीमेंट मोर्टार होता है उसका आपको रेशियो क्या रखना है। तो फ्रेंड्स अगर यदि आप इनसाइड प्लास्टर करने जा रहे हैं अंदर की साइड, तो फ्रेंड्स आपको 1:5 रखना है, जिसमें 1 क्या होगा सीमेंट होगा, 5 क्या होगा फ्रेंड्स मेरा सैंड होगा। तो फ्रेंड्स उसमें भी आप सैंड में फ्रेंड्स 3 जो होगा वो पार्ट सैंड होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे वो बदरपुर होगा। फ्रेंड्स बालू और बदरपुर आपको खाली बालू नहीं रखनी, फ्रेंड्स खाली बालू रखते हैं तो क्या होता है उसकी जो मेरा प्लास्टर होता है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड फ्रेंड्स आउटसाइड जा रहे हैं तो आपको 1:4 का प्लास्टर रेशियो यूज़ करना है। एंड फ्रेंड्स आप प्लास्टर करने के बाद आप अगर यदि POP कराने जा रहे हैं तो उसको फ्रेंड्स झाड़ू या फिर वायर ब्रश आता है उससे आप प्लास्टर सरफेस को रफ़ करते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर यदि आपको POP नहीं करानी तो फ्रेंड्स आप रफ़ ना करें तो कोई इशू नहीं है, या फिर फ्रेंड्स आप टाइल लगाने जा रहे हैं तब भी आपको वो रफ़ करना होता है। एंड फ्रेंड्स प्लास्टर करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो प्लास्टरिंग सरफेस है वो कम से कम उसकी तराई कितनी करनी है। फ्रेंड्स जो हम तराई करते हैं, जो फ्रेंड्स तराई करनी है आपको वो कम से कम 10 दिन करनी है, 10 से 14 दिन, मिनिमम 10 से 14 दिन तो फ्रेंड्स करनी ही करनी है। वो इतनी करनी है कि फ्रेंड्स जो मेरी सरफेस है वो सूखे ना, गीली ही रहे। एंड फ्रेंड्स जो मेरी तराई करने के बाद तराई कितने दिन करनी है, फ्रेंड्स मेरा जो सजेशन है वो ये सजेशन है कि फ्रेंड्स जो मेरा सीमेंट होती है वो अपनी 28 दिन में अपने जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से गेन कर पाती है। तो फ्रेंड्स अगर यदि आप प्लास्टर की तराई 28 दिन तक कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फ्रेंड्स प्लास्टर करने के बाद उसके ऊपर आपको जो भी वर्क करना है, प्लास्टर अच्छे से ना सूख जाए तब तक आपको कोई भी वर्क उस पर सरफेस पर नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर प्लास्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, फ्रेंड्स जो एक मेरे मित्र और व्यूअर हैं जिनका नाम सचिन सक्सेना है, उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि आप एक प्लास्टर पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स प्लास्टर किस तरह करना, क्या चेकिंग करनी है, किस तरह स्टार्ट करना है, तुमने तमाम मिठाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।